हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फातिमा है। मैं कालवार से आई हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं उन्नति को कैसे आई। तो मेरे एक फ्रेंड जो मेरे साथ, मैं जो स्कूल में, मैं टीचर हूँ, मैं जो स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पे मेरे एक मैनेजमेंट में एक सर है। उन्होंने मुझे बताया कि बेंगलुरु में एक उन्नति सेंटर है, वहाँ पे 50 दिन का कोर्स होता है। उसमें आपको कंप्यूटर और टैली, लाइफ स्किल, वैल्यूज, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन सब सिखाया जाता है। तो मैं सोची इस बार 2 महीने की छुट्टियों में तो यहाँ पे आऊँ और उन्नति की ट्रेनिंग में शामिल हो जाऊँ। फिर मैंने 2 महीने की छुट्टी में यहाँ पे आई और देखी, जैसे मैंने सुना था वैसे ही था यहाँ पे। जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है, सभी इंग्लिश बात करना सिखाते हैं। फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई। ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे मैंने देखा कि सारे टीचर्स बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और जैसे कि कंप्यूटर तो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, और मैंने बहुत सारा कंप्यूटर बेसिक नॉलेज भी सीख लिया। उसके साथ साथ मैंने टैली भी सीखा। टैली मैंने पहले कभी नहीं सीखा था, तो टैली नॉलेज भी मुझे आ गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, रोज 6:30 बजे से 9:30 बजे तक टाइपिंग क्लास होता है। इसमें भी मैंने बहुत सारे मेहनत की और आज मेरा टाइपिंग भी बहुत अच्छा है और मेरा स्पीड भी बहुत अच्छा है। 100% है मेरा स्पीड और 25 एक्यूरेसी है। तो इसके बाद में मैं बताती हूँ कि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना इम्प्रूव हुआ। मैं यहाँ पे सारे मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे रूममेट्स हैं, सबके साथ मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ। इससे मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ के टीचर्स का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिया। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आए और यहाँ पे उन्नति की ट्रेनिंग हासिल करें। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 इंटरव्यू भी दिए, उसमें मैंने सेलेक्ट हो गई। सबसे पहला पहले कंपनी है HDB कंपनी और दूसरा है मेडिमार्क कंपनी। इन दोनों कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई। फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी यहाँ पे आए और ट्रेनिंग हासिल करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें अपनी जिंदगी में। शुक्रिया।